नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टेस्टी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूँ आपके साथ ही। आई नजर डालते हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के भाटपार रानी क्षेत्र के रतसिया कोठी का बब्बन सिंह इंटर कॉलेज, जहां आज बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिरकत किया। इस दौरान मन से उन्होंने नकल करने और कराने वालों सख्त कार्रवाई करने की बात करते हुए कहा कि सारे जिलों से खुफिया रिपोर्ट मंगाई है, संदिग्ध विद्यालयों की रिपोर्ट मंगाई है और मैं हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करके जा रहा हूं कि अगर विद्यालय में नकल होगी तो परम आदरणीय प्रबंधक महोदय जहां के भी होंगे उनसे यह निवेदन होगा कि नकल ना हो, इसकी सारी समुचित व्यवस्था वह कर लेंगे। अगर कोई बाहरी तत्व तो नकल करता है तो उसकी जानकारी जिलाधिकारी को देंगे, नकल नहीं होगा तो नहीं होगा। वहीं मन से कहा कि सॉल्वर का 1 लाख से स्टार्टिंग होता है, हमने आधार लिंक भी किया है और इस विद्यालय को संदिग्ध किया है। आप पता करो, अलीगढ़ में कई लोगों पर रासुका लगी है, लगाऊंगा उन पर रासुका, यह लेखक लोग जान ले कि वह पकड़े जाएंगे, ऐसी सूची बनी हुई है, वह जेल जरूर जाएंगे। इसी दौरान सभी पार्टियों के एक होने पर उप मुख्यमंत्री का कहना था कि सब में घबराहट है, यह सपा और बसपा दोनों की सुबह और शाम का अंत गाली से होता है, जो एक दूसरे के कार्यकर्ताओं की हत्या से लेकर उन्हें झूठ मुकदमे करने का अभियान करते थे। आज यह नेता एक हो सकते हैं, उनके कार्यकर्ता नहीं। उनके कार्यकर्ताओं का झुकाव आज बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। हम तो चाहते हैं कि बसपा और सपा के कांग्रेस का भी गठबंधन हो जाए ताकि यह लुका छिपी का खेल बंद हो जाए। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सब में घबराहट है, ये सपा और बसपा जो एक दूसरे को गाली देते हुए अपना दिन की शुरुआत और दिन का अंत करते थे, जो एक दूसरे के कार्यकर्ताओं की हत्या से लेकर उनको झूठे मुकदमे में बंद करने का अभियान चलाया करते थे, आज ये नेता एक हो सकते हैं लेकिन इनको समर्थन देने वाले एक नहीं हो सकते। निश्चित रूप में उनको अब पता चला है, इनके समर्थकों को, कि उनका नेतृत्व केवल बीजेपी कर सकती है। नेताओं का गठबंधन हुआ है लेकिन कार्यकर्ताओं का जो झुकाव है वो भाजपा की तरफ तेजी से बढ़ा है और लोग तेजी के साथ में बीजेपी से जुड़ रहे हैं। तो इसलिए हम तो मना रहे हैं कि सपा बसपा के साथ कांग्रेस का भी गठबंधन हो जाए। ये जो छुपा लुका छुपी का खेल खेलते थे ना कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का प्रत्याशी होता था तो सपा और बसपा बीजेपी का वोट काटने वाला प्रत्याशी खड़ा करते थे, सपा का होता था तो बसपा और कांग्रेस वोट काटने वाला प्रत्याशी खड़ा करते थे, ये छुपू छुप कर जो खेल खेलते थे, जब एक खुल्लम खुल्ला खेल खेलेंगे ना मिलकर, तब हराने में हिमाचल और उत्तराखंड की तरीके से आसानी ज्यादा हो। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।